देश में प्रभाव देने लगे काशी के लोगों। अरे किसी का लाल बाग में गया था फूल लेने, उसे सर्प ने डस लिया है, वो मर रहा है, किसी का हो तो चले जाओ। मैया बर्तन साफ कर रही थी, दौड़ करके पहुंची ब्राह्मणी, आवाज आ रही है किसी का बेटा सर्प ने डस लिया है बाग में, मेरा रोहित गया है फूल लेने, कहीं मेरा बेटा ही तो नहीं है। ब्राह्मणी कहने लगी सुन, औरों के भी बेटे गए हो, अकेला तेरा ही नहीं है, और डस ही लिया होगा, मर नहीं गया होगा, पहले बर्तन को साफ कर उसके बाद चला। देखना भक्तों मछूरी, देखना भक्तों समय, तारावती बर्तनों को साफ करती जा रही है और आंसुओं से बर्तनों को धुलती जा रही है। रोती जा रही है आर बर्तन मानती जाते मात की छूटी साफ किया, फिर पूछने लगी अब मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी मर गया हो तो लाश को लगा करके जल्दी आना। मैया भागने लगी, तुमने देखा होगा अगर ज्यादा गाढ़ा दुख पड़ जाए तो एक एक पग एक एक कोस के बराबर लगता है। मैया गिरती है, उठ जाती है, फिर दौड़ने लगती है, जाकर को देखा बाग में रोहित बिलख रहा है। एक ही आवाज आ रही है माँ माँ, झपट करके मैया ने गोद को उठा लिया बेटा। एक नौ महीना रहो गर्भवती नव सोयो काया में मैंने पाली लगा मां मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, दुख सुख की मेरी मात कहे मुझे कही मां, दुख सुख की मेरी मात कहे मुझे कही बस एक बार पुजकारी Thank you.
छोड़ चलो से लगा दिया बेटा, सारी दंडवलत चली गई, मुझे कष्ट नहीं हुआ, बीच बाजार में खड़े होने के भी गई, मुझे दुख नहीं हुआ कि तेरे पिछुड़ना कौन लगा मोबे तू घुसा हो नहीं जाए और रात दिन बेटा, मैया ने गोद में रख लिया। एक ही बात कह रही है लाला, ऐसे बात कर रही है मानो अपने सोते हुए बेटा को कोई जगा रही है। लाला कहाँ चले गए रोहित? ठीन कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले आगे तो तेरे पिता ने मुझे बीच डाल के चले गए, अलग कर दिया। रो रही है माँ बेटा, मेरे दिल पे लगा के
जाने होगा